गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड सचिन तेलेकर ब्लॉग। आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करेंगे फ्रेंड, उस कंट्री का नाम है साइप्रस। ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ साइप्रस इज एन आइलैंड कंट्री इन द ईस्टर्न मेडिटेरियन सी। क्लोजेस्ट कंट्री पे आते तो ग्रीस, इजिप्ट, टर्की और सीरिया की क्लोजेस्ट कंट्री है साइप्रस की। पॉपुलेशन पे आते तो 12.4 लाख अबाउ इसकी पॉपुलेशन है, ठीक ठाक पॉपुलेशन है फ्रेंड्स, ठीक है। कैपिटल पे आते तो निकोसिया, लार्जेस्ट सिटी भी निकोसिया। ऑफिशियल लैंग्वेज पे आते तो ग्रीस और टर्किश है। माइनॉरिटी लैंग्वेज पे आते तो आर्मेनियन इसकी माइनॉरिटी लैंग्वेज है। रिलीजन पे आते तो 73% क्रिश्चियनिटी, 25% इस्लाम है। करेंसी पे आते तो यूरो है, वहाँ का एक यूरो इंडियन करेंसी में होता है 90 INR। वीज़ा ऑब्वियसली वीज़ा रिक्वायर्ड है टूरिस्ट और बिजनेस। प्रोसेसिंग टाइम 10 to 15 डेज, स्टे पीरियड 90 डेज, वैलिडिटी 6 मंथ्स, एंट्री सिंगल और मल्टीपल। फीस उसकी होगी वो है 4000 लगभग, इंडियन करेंसी 4000 रुपये। ड्राइविंग साइड लेफ्ट, कॉलिंग कोड है +357। मिनिमम एवरेज एंड हाई सैलरी पर अभी हम आते हैं। 900 यूरो मिनिमम एवरेज, मिनिमम सैलरी है 900 यूरो, तो इंडियन करेंसी में होते 81,000। एवरेज है 2,800 यूरो, तो इंडियन करेंसी में होते लगभग 2,50,000 के आसपास आप हो जाएगा जो है एवरेज सैलरी, ठीक है फ्रेंड्स। फिर अभी हम आते हैं इसके हाई सैलरी पे, तो 4,000 यूरो, तो इंडियन करेंसी में लगभग होते 3,60,000। कॉस्ट ऑफ लिविंग पे आते हैं, क्योंकि अगर हम जॉब या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं तो क्या है उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होगा वो भी जान लेते हैं हम, ठीक है। तो मिल्क है 1 लीटर 1.62 यूरो, राइस है 1 kg 2.39 यूरो, एग है 12 पीस 3.47 यूरो, चिकन है 8 यूरो, फिर बनाना है 1.81 यूरो, टमाटो है 1 kg 2.65 यूरो, पोटैटो है 1 kg 1.14 यूरो, ऑनियन है 1 kg 1.20 यूरो, वाटर है 0.91 सेंट्स यूरो, ठीक है। अपार्टमेंट पे आते तो 1 बेडरूम सिटी 700 यूरो, आउटसाइड सिटी 600 यूरो, 3 बेडरूम सिटी 1,400 यूरो, आउटसाइड सिटी 1,200 यूरो। रूट पे आते हैं तो टर्किश एयरलाइंस की फ्लाइट है मुंबई से दिल्ली, दिल्ली टू इस्तानबुल और इस्तानबुल टू साइप्रस। रिटर्न टिकट का जो भी चार्जेस है जो होगा वो 80,000 के लगभग, 70,000 भी हो सकता है, 80,000 भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एयरलाइंस का जो फेयर है ऊपर नीचे फ्रेंड्स होते रहते हैं वो। हम अगर आप एक घंटे के बाद भी फ्लाइट बुक करोगे तो आपको फेयर या तो कम दिखेगा या शायद उससे ज़्यादा दिखेगा। और आप जब भी टिकट बुक करोगे तो आप थोड़ा जल्दी बुक कर ले एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि फेयर तभी कम होता है। अगर आप कल जाना है और आज बुक करोगे तो उसका जो फेयर होगा काफ़ी एक्सपेंसिव होगा। 1 मंथ 2 मंथ बिफोर ही बुक कर लिए तो आपको रिजनेबल प्राइस में आपको टिकट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अभी फ्रेंड्स हम आते हैं इसके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स पे। तो पासपोर्ट 6 मंथ्स वैलिडिटी ऑब्वियसली चाहिए, 3 से 4 ब्लैंक पेज। फिर वीज़ा रिक्वायर्ड है, आपको वीज़ा अप्लाई करना है। फिर होटल रिजर्वेशन हो गया, अगर आपका कोई रिलेटिव रहता है तो स्पॉन्सर लेटर मंगा लीजिए, आइटनरी बनवा लीजिए डेली वाइज आप कहाँ कहाँ पे घूमोगे उसका, ठीक है फ्रेंड्स। फिर PCC मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाइए, अगर आप जॉब का इंटेंशन है, अगर आपको वहाँ पे जॉब मिल जाते तो आप उसे ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। तो PCC पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया। ट्रैवल इंश्योरेंस 30,000 यूरो का करवा लीजिए आप। कोविड के सर्टिफिकेट लेके जाइए, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आते हैं बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपका कम से कम 3 से 6 महीने का चाहिए, उतना तो लगेगा ही आपका, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट में। फिर आपका फंड्स आपको कितना बताना है, हैज मच हैज आप बता सकते हैं सेविंग अकाउंट में, लेकिन वन शॉट में आप डिपॉजिट ना कर दीजिए आपके अकाउंट में, ठीक है। वो सेविंग पहले से होते आने चाहिए, कम से कम 5-6 लाख रुपया 7 लाख रुपया आपका सेविंग अकाउंट में होगा तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। वो फिर आपको वीज़ा मिलने के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होगी तो बहुत बढ़िया है वो तो ज़्यादा, ठीक है। पासपोर्ट पर स्टैम्प्स रहेंगे, ट्रैवल हिस्ट्री होगी तो ज़्यादा मिलने के चांसेस हो जाते हैं शेंगेन वीज़ा, ठीक है। आपको वीज़ा मिलने के बीच कोई भी कंट्री का, नॉट ए शेंगन, US वीज़ा, कैनेडा वीज़ा, ऑस्ट्रेलिया वीज़ा, उसका ज़्यादा चांसेस होता है मिलने का, ठीक है। तो आपको इसका भी वीज़ा मिल जाएगा साइप्रस का, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो, ठीक है। तो यही है सब कुछ, और कुछ भी क्वेरीज होगी तो प्लीज़ कॉल मी, मैसेज मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। अभी के लिए इतने मिलते हैं, मेरे नेक्स्ट एपिसोड में सचिन तेलेकर ब्लॉग। हैव अ गुड वन, बाय, टेक केयर, बाय।